हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक चैनल डॉक्टर साइंटिस्ट। तो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे कि घर पर बाउंड्री पिलर या फेंसिंग पोल कैसे बनाते हैं और आपके 50% पैसे बच जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम पिलर के फ्रेम की बात करते हैं, जो हमने वेल्डिंग शॉप से बनवाया है। इसकी लेंथ 6 फीट 7 इंच है, जो कि नॉर्मल पिलर की होती है। गाइस, हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रेम लेंथ है। अगर आप 7 फीट या 7.5 फीट बनाना चाहते हो, आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हो। गाइस, इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और हाइट 3 इंच। इसके बाद हम सरिये को लेंगे। हमने 7.5 फीट का पिलर बनाना है, उसके हिसाब से ही हम सरिये की लेंथ लेंगे। हमने 10 mm का सरिया यूज किया है। आप लोग स्टेनलेस स्टील मेटल वायर भी यूज कर सकते हो और हमारी तरह सरिया भी यूज कर सकते हो। गाइस, हमने सरिये को 2 इंच का गैप डालकर वेल्डिंग की है। हमारे पोल की चौड़ाई 4 इंच है, 2 इंच सेंटर में आ जाएगा और 1 1 इंच साइड पे। गाइस, इसके बाद हम आपको मेटल हुक बनाना सिखाएंगे, जो फेंसिंग वायर या कांटेदार तार को पिलर के साथ फिक्स कर देगी। इसको दोनों तरफ से मोड़ लें। तो गाइस, इसके बाद हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे। कई लोगों को दिक्कत आती है कि रेशो कितनी लेनी है, रेत सीमेंट और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की मात्रा कितनी लेनी है, जो कि स्टैंडर्ड रेशो होती है। बाउंड्री पिलर बनाने की 1:2:2 की होती है। 1 कढ़ाई सीमेंट, 2 कढ़ाई रेत और 2 कढ़ाई कंकड़ पत्थर। तो गाइस, आप 1:3:3 की भी ले सकते हो। अगर आपने 1:4:4 की रेशो ली, आपका पिलर कमजोर बनेगा और जल्दी टूट जाएगा। गाइस, हमने रेशो 1:2:2 की ली है। इसमें पानी डालकर और अच्छे अच्छे से मिक्स कर दें। गाइस, हमारा ये मिक्सचर बन चुका है। इसके बाद हम फ्रेम को वेस्ट इंजन ऑयल से पॉलिश कर देंगे, जो कि मैकेनिकल की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। हमारा मिक्सचर फ्रेम के साथ चिपके ना और बाउंड्री पिलर सूख जाने के बाद फ्रेम से आसानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो गाइस, अब हम फर्स्ट लेयर डालेंगे। गाइस, ये 7.5 फीट का बाउंड्री पिलर आपको पिलर इंडस्ट्री से रेडीमेड 250 रुपये के करीब मिलेगा। अगर आप लोग पिलर को घर में बनाओगे, लगभग आपका खर्चा 100 to 120 रुपये का आएगा। आप घर बैठे 50% पैसे बचा सकते हो। गाइस, ये हमने फर्स्ट लेयर डाल दी है। इसके बाद हम सरिये को पिलर के सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम दूसरी लेयर डाल देंगे, बिल्कुल सेंटर में रखना है। साइड पे 1 1 इंच का गैप भी आना चाहिए ताकि हमारा पिलर मजबूत बने। गाइस, अब हम दूसरी लेयर डालेंगे। गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, जिस साइड से आपको पिलर को मिट्टी के अंदर गाड़ना है, उस साइड पर 2 फीट के बाद हुक लगाना है। गाइस, इसके बाद ऊपर वाली साइड पर 10 10 इंच के गैप डालकर हुक्स लगाने हैं, ताकि आपकी फेंसिंग वायर कांटेदार वायर आपस में क्लोज क्लोज हो। तो गाइस, कितनी मेहनत की है बाउंड्री पिलर बनाने में, एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर साइंटिस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हमने सभी हुके लगा दी हैं, हमारा पोल पूरी तरह से बन चुका है। तो गाइस, ये देखो, हमारा पिलर पूरी तरह से तैयार है। अब इसको 24 घंटे बाद सूख जाने पर हम पिलर को फ्रेम से अलग करेंगे। अच्छी तरह सूख जाने पर
तो गाइस वीडियो को लाइक करें। अब 24 घंटों के बाद देखते हैं हम कि किस तरह से हम पिलर को फ्रेम से बाहर निकालेंगे। तो गाइस 24 घंटे बीत चुके हैं, हमारा पिलर पूरी तरह से सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। इसके बाद हम फ्रेम को पिलर से अलग करेंगे। पहले हम छोटे वाले फ्रेम को अलग करेंगे इस तरह से। अब हम हथौड़ी और छेनी की मदद से बड़े वाले फ्रेम के पार्ट को निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए, हमने फ्रेम को पिलर से इस तरह से अलग किया। तो गाइस ये बाउंड्री फेंसिंग पिलर आपके खेतों को कवर करने के लिए काम आते हैं, प्लॉट कवर करने के लिए काम आते हैं, और भी इसके फायदे हैं। तो गाइस इसे आप घर पर बनाओ और 50% पैसे बचाओ। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।